आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डाउट नर्ट सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन सो असर्शन सेज ग्लिप्टल इज अ को पॉलीमर असर्शन कह रही है कि ग्लिप्टल एक को पॉलीमर है एंड द रीजन सेज इट हैज टू मोनोमेरिक यूनिट्स इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड सो रीजन कह रहे हैं कि उसके पास दो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड सो हम देखते हैं कि कोपोलीमर क्या होता है वॉट इज को पॉलीमर कोपोलीमर क्या होता है ऐसा पॉलीमर A polymer that is made up of that is made up of two or more different monomers दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर से जो मिलकर बनाओ उसको कहते हैं कोपॉलीमर टल ग्रिप्ट कोपोलीमर क्यों है इट इज़ मेड अप ऑफ इथाइलिन गाइकॉल एंड थैलिक एसिड ठीक है सो ओ एच सी एच टू सी एच टू ओ एच दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल इथलिन गईकोल इसमें जब हम ऐड करते हैं थैलिक एसिड थैलिक एसिड क्या होता है सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच ठीक है इसको जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनकर बनता है इन दोनों से हमारे पास बनता है ग्लिप्टल ठीक है तो ये है हमारा ग्लिप्टल ये थीन ग्लाइकोल और ये क्या है थैलिक एसिड सो so, क्योंकि ग्लिप्टल हमारा दो डिफरेंट मोनोमर से मिलके बना है तो ये क्या है हमारा कोपोलीमर सो so, ग्लिप्टल कोपोलीमर है और दो मोनोमरिक फॉर्म यूनिट्स भी हैं सो so, जो हमारा असर्शन है इट इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन